मतलब सही अच्छा मतलब खराब बन रहा है। हाँ अभी भी दिख रहा है कुर्सी नहीं है तुम लोग के बैठने उसका दवाई लोगे ना दवाई लीजिए ठीक हो जाएगा शादी हो गया है थोड़ा साइड हो जाएगा आप लोग लाइन में क्यों लगे हुए हैं ये दिया उस महिला को दिया इससे ये बोली इसका नाम डिटेल डिटेल हो गया दुबली हो गया है कहाँ इनमें से तीन में से कौन सा दवाई उपलब्ध है बाइपोलर कौन सा सबसे ज्यादा कौन सा दवाई ना आपको निकलता है यही सबसे ज्यादा धर्मा सफर स्टॉक निकालते हैं कल कौन कौन सा दवाई था आज कौन कौन सा दवाई निकाले कहाँ लिखते हैं जैसे कि पहले कभी आए ना अस्पताल आप आइए पहले कभी अस्पताल क्या दवाई लिखा क्या दिक्कत है क्या दिक्कत है आपको घुटना दर्द पड़ता है इसमें कैल्शियम देते हैं घुटना दर्द में बूढ़ा हो गया लेकिन आप लोग का जो भी डिमांड है उसको हम लोग आज के प्रोसीडिंग में नोट भी करेंगे और इसका अवगत भी कराएंगे सरकार को सर अभी जांच हुआ क्या सब देखा गया देखिए आज कोई विस्तृत जांच तो नहीं हुई है लेकिन अभी ANC का कार्य चल रहा है मुख्य रूप से और UDID सृजन का कार्य चल रहा है तो ये दो चीज़ों को मैंने देखा है OPD के में जो लोग आए हुए हैं उनसे थोड़ा बातचीत हम लोगों ने की है जो लैब टेक्नीशियन है उनके लैब में जाकर कुछ जाँच पड़ताल की जो दवा काउंटर है वहाँ पर हम लोगों ने देखा और लोगों से भी एक फीडबैक प्राप्त किया है अमूमन यही जनरल फीडबैक है कि चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं लेकिन काफ़ी चीज़ें यहाँ पर अभी भी किया जाना बाकी है एक्सरे के बारे में स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि एक्सरे यूनिट रहते हुए भी चालू नहीं है डेंटल चेयर रहते हुए डेंटिस्ट के नहीं रहने के कारण उसका लाभ यहाँ के स्थानीय लोगों को नहीं मिल पा रहा है ड्रेसर की कमी बताई जा रही है यहाँ पर कोई भी ड्रेसर पिछले 26 वर्षों से यहाँ पर पदस्थापित नहीं हालांकि पद यहाँ पर है निश्चित रूप से जो जहाँ तक नियुक्ति की प्रक्रिया की जहाँ तक बात है तो सरकार से संबंधित है लेकिन जनता का जो भी फीडबैक है और जो मुख्य उद्देश्य भी है बुधवार है या गुरुवार है जांच का वो यही है कि लोगों का क्या फीडबैक है लोगों को क्या चाहिए वो सरकार तक बात पहुंच सके तो मैं आज के इस निरीक्षण के प्रतिवेदन में इस चीज़ को अंकित करूँगा और जो भी सरकार स्तर से इस पर निर्णय लेकर आज अग्रेतर कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी एम्बुलेंस की भी कमी बताई गई 2 एम्बुलेंस में से 1 एम्बुलेंस अभी वर्तमान में खराब है हम लोगों को कुछ दिन पूर्व वहाँ पर अल्सा और सामान्य एम्बुलेंसेस प्राप्त हुई थी जो कि हम लोगों ने नंबर ऑफ केसेस के हिसाब से विभिन्न अस्पतालों को आवंटित किया है चौथम में हम लोग आवंटित नहीं कर पाए तो वो हमारे ध्यान में है सरकार द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि अगले चरण में जब भी क्रय होगा तो वैसे अस्पताल जो छूट गए हैं जहाँ पर पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंसेस नहीं जा पाई
वापस सरकार स्तर से पुनः भेजा जाएगा तो हम लोग वहाँ पर भी एक एम्बुलेंस उपलब्ध कराएंगे। हालांकि आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से कई लोगों को यहाँ पर लगभग 13 लोगों को पूरे ज़िले में एम्बुलेंस खरीदने के लिए राशि दी गई थी, प्रोत्साहन राशि दी गई थी, उसका भी उपयोग किया जा सकता है और उसका दर निर्धारित कर सकते हैं आप। और जब भी अगर एम्बुलेंस अगर आपके पास एक है जो समाप्त हो गई हो वो या कहीं चली गई हो तो वैसी परिस्थिति में किसी पेशेंट को वेट ना करना पड़े इसके लिए उन एम्बुलेंसेस की भी सेवा निश्चित रूप से ली जा सके। उसको आपने कहीं अंकित नहीं किया है, उसको सामने आप अंकित करें ताकि आवश्यकता पड़ने पर लोग उसका भी लाभ ले सकें। धन्यवाद।